आज के वीडियो में हम बात करेंगे धूप से जुड़ी 9 ऐसी बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए। और यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप धूप में बैठने का नुकसान और फायदे दोनों के बारे में बहुत ही बारीकी से समझ जाएंगे। जिसमें से नंबर 1 पर आता है, धूप लेने का सही समय और सही तरीका क्या है। नंबर 2, रोजाना धूप लेने से शरीर पर क्या असर होता है। नंबर 3, महिलाओं के लिए धूप लेना क्यों जरूरी होता है। नंबर 4, रोजाना धूप सेकने के क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 5, धूप में बैठना कब खतरनाक बन सकती है। नंबर 6, धूप लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 7, विटामिन डी के लिए धूप में कितनी देर बैठना चाहिए। नंबर 8, धूप में बैठने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 9, धूप लेने से कैंसर जैसी बीमारियां कैसे दूर रहती है। तो अगर आप लोगों को ये 9 पॉइंट के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी करते हुए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। जिसमें से नंबर 1 पर आता है, धूप लेने का सही समय और सही तरीका क्या है। धूप में बैठने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का 7 से 9 बजे तक, यानी कि सिर्फ 2 घंटे। इसके बाद धूप तीखी यानी कि तेज होने लगती है, जिससे स्किन को खतरा होता है। अक्सर धूप लेते समय सूरज की ओर पीठ करके बैठना चाहिए। आप कुछ देर अपने हाथ, पैर और पेट को भी धूप सेक सकते हो। गुनगुनी धूप में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अधिक तेज किरण होने पर कैंसर का खतरा भी रहता है। त्वचा का रंग अधिक डार्क नहीं होने पर आपको 15 मिनट बैठना चाहिए। वहीं अगर ज्यादा त्वचा का रंग डार्क है तो आपको कम से कम 1 घंटा बैठना चाहिए। उसी तरह नंबर 2 पे आता है, धूप लेने से शरीर पर क्या क्या असर होता है। धूप सेकने या लेने से शरीर को गर्मी मिलती है। जिन लोगों को ठंड लगती है या जिनका शरीर ठंडा रहता है, उन लोगों को रोज धूप सेकना चाहिए। इससे उनके शरीर को गर्मी मिलेगी और वे कई रोगों को दूर कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिन लोगों को शरीर या पेट में ज्यादा गर्मी रहती है, उन्हें ज्यादा धूप लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा सूरज की रोशनी में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। धूप सेकने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3 पर आता है, महिलाओं के लिए धूप लेना क्यों जरूरी होता है। ज्यादातर महिलाएं 40 साल के बाद विटामिन डी की सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है और वह जोड़ों का दर्द की शिकायत करने लगती है। इसीलिए शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए आप नियमित रूप से धूप लें और अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। नंबर 4, विटामिन डी के लिए धूप में कितना देर बैठना चाहिए। तो विटामिन डी पाने के लिए हम सबको रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए। हर मौसम में सूर्य का प्रकाश का अलग अलग तीव्रता होती है। सुबह की धूप लेना फायदेमंद होता है। वही सर्दियों में दोपहर में भी देर तक धूप का मजा लिया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश के अलावा विटामिन डी बहुत से खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। इसके अलावा आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी को आमतौर पर धूप से मिलने वाले विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये विटामिन हमारे शरीर में तब बनता है जब हमारे त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती है। ये शरीर को कैल्शियम और फॉस्फेट पचाने में मदद करता है, जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। नंबर 5 पे आता है, रोजाना धूप सेकने से क्या फायदे हो सकते हैं। रोजाना धूप सेकने से शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन पैदा होता है, जो डिप्रेशन और नींद ना आने की समस्या को दूर करते हैं। सही समय पर धूप लेने से त्वचा को भी फायदा होता है। इससे त्वचा संबंधी कई रोग दूर होते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और खून साफ होता है, जिससे फंगल प्रॉब्लम, सोरियसिस जैसी त्वचा के विकार ठीक होते हैं। रोज सही समय पर धूप सेकने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। इससे पेट से जुड़े सारे रोग दूर होते हैं और पाचन तंत्र मजबूत बनता है। धूप सेकने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर एनर्जेटिक रहता है। नंबर 6, धूप में बैठना कब खतरनाक बन सकता है। लंबे समय तक धूप में बैठने से त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। इससे आपको स्किन एलर्जी, दाग धब्बे, लालिमा और पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। ज्यादा धूप लेने से बॉडी डिहाइड्रेशन की शिकार हो जाती है, जिससे कि आंखों की परेशानी भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक धूप लेने से और दिन की धूप लेने से शरीर में खुजली की समस्या भी हो सकती है।
ज्यादा देर तक धूप लेने से सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का असर स्किन पर होता है, जिससे टैनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज्यादा धूप लेना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों को बॉडी में ज्यादा गर्मी है उन्हें इससे सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। नंबर 7 पे आता है, धूप लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्मियों में हमेशा सुबह की धूप लेनी चाहिए, दोपहर की धूप लेने से बचें। धूप में बैठने के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए धूप में बैठकर पानी पीते रहें। इस दौरान आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए और आपको अपने बॉडी पार्ट्स को ओपन रखना चाहिए। नंबर 8 पे आता है, धूप में बैठने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लंबे समय तक धूप में बैठने से पिगमेंटेशन, स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, दाग धब्बे, एजिंग इफेक्ट, कालापन, डिहाइड्रेशन, आंखों की परेशानी आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। धूप में अधिक देर रहने से त्वचा के तापमान, त्वचा के रंग आदि को नियंत्रित करने वाले तत्वों को नुकसान होता है, जिससे कि कील मुहासे, अधिक पसीना आना, खुजली, एक्जिमा, वर्म की विकृति जैसी त्वचा की समस्याएं हो सकती है। शरीर में त्वचा का रंग तय करने वाले मेलानिन, हेमोग्लोबिन एंड केरोटिन आदि कुछ तत्व होते हैं। सूर्य की अधिक रोशनी में लगातार रहने से कुछ लोगों में अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव के कारण इनका उत्पादन बिगड़ने लगता है, जिससे कि क्या होता है, कुछ समय बाद त्वचा पर टैनिंग होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ज्यादा देर तक धूप में बैठने पर कई लोगों को, खासकर पित्त की विकृति वाले लोगों को, सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। नंबर 9 पर आता है, धूप लेने से कैसे कैंसर जैसी बीमारियां दूर होती है। रोजाना सुबह धूप लेने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचा जा सकता है। सूरज की किरणों में एंटी कैंसर तत्व मिले होते हैं, जिससे व्यक्ति को कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही जिन लोगों को कैंसर है वो भी धूप में आराम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सही समय पर धूप लें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और इसी तरह का अच्छी अच्छी जानकारी आपको हर वक्त मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।